गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स को हाइड कैसे कर सकते हो एंड इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं आपके चैनल को लेकर। आपका चैनल चाहे गेमिंग का हो, टेक का हो या किसी भी अदर कैटेगरी का हो, आपको अपने चैनल के सब्सक्राइबर्स को हाइड रखने ही होंगे। क्यों? इस वीडियो में ये डिस्कशन होने वाला है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या क्या करना है। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करो, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आप सबको ही पता है कि मैं हमेशा से आपके लिए जेन्युइन कंटेंट के साथ ही आता हूं अपने YouTube चैनल पे। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मैं बेनिफिट्स बता दूं सब्सक्राइबर हाइड करने के। देखिए, आपका अगर सब्सक्राइबर हाइड होगा तो आप, जैसे कि आप अगर कोई भी चैनल खोलते हो YouTube का, तो आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जो आपके चैनल के सब्सक्राइबर पूछते हैं, या आप खुद ही बता देते हो अपने दोस्तों की, भाई देख मैंने ना अपना एक यूट्यूब चैनल खोला है, उसको सब्सक्राइब जरूर करियो, आप ये सब कहते हो। देखिए, अब वो चैनल को सब्सक्राइब कर भी देता है, लेकिन उसका सबसे पहला जो सवाल होता है वो होता है तेरे सब्सक्राइबर कितने हैं भाई। अब इसमें बहुत सारी एक चीज आ जाती है, अगर आपने हाइड नहीं कर रखे होंगे सब्सक्राइबर तो वो तो ऐसे ही देख लेगा, हाय हाय 200 सब्सक्राइबर है, अबे एक महीना हो गया तेरे अभी भी इतने सब्सक्राइबर है, अटके पड़े हुए हैं, ऐसे वो आपको ताना देगा। और ऐसे ही आपकी जो ऑडियंस है, जो नई ऑडियंस आप अपने चैनल पे लाओगे, वो भी आपको मेन सब्सक्राइबर्स के बेसिस पे ही जज करना शुरू कर देती है। कैसे बताता हूँ, रुको रुको। देखो, आपका अगर टेक का चैनल है तो टेक में सबसे बड़ा अभी कौन सा चैनल है, टेक्निकल गुरुजी चैनल है उनका, उनका चैनल सबसे बड़ा है टेक के मामले में। तो ऐसे ही कोई, अगर मान लो टेक्निकल गुरुजी चैनल पे कोई ऐसी नए फोन की वीडियो या कोई भी यूट्यूब नए अपडेट की वीडियो डल जाती है, डल गई, अब क्या करते हैं सारे के सारे यूट्यूबर की, कोई भी बड़ा क्रिएटर या कोई भी ऐसा यूनिक टॉपिक आता है ना, तो सबसे पहले उस टॉपिक को लेते हैं एंड थोड़ी बहुत रिसर्च करके अपने चैनल पे वीडियो डाल देते हैं। अब जो ऑडियंस होगी या यूट्यूब के क्रिएटर होंगे, वो क्या करेंगे, वो सबसे पहले जैसे कि यूट्यूब का कोई भी नया अपडेट आया, तो अपडेट आते ही वो सबसे पहले यूट्यूब का कीवर्ड लिखेंगे, यूट्यूब न्यू अपडेट कीवर्ड लिखा। अब सबसे पहले कोई भी अच्छा सा थंबनेल दिख गया उसे, चलो मान लो आप ही के चैनल का थंबनेल उसे दिख गया किसी भी व्यूअर को, तो वो क्या करेगा, आपके थंबनेल पे क्लिक कर देगा। और अगर उसको सब्सक्राइबर आपके ऐसे दिखे, इसके सब्सक्राइबर तो 1 के से भी कम है, अरे इसको क्या नॉलेज होगी, अगर आप उसे 100% भी नॉलेज दे रहे हो ना, बड़ा क्रिएटर जिसके सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा है उससे भी तगड़ी वाली नॉलेज दे रहे हो ना, तब भी आपका चैनल कभी ग्रो नहीं हो सकता मेरे भाई, क्योंकि आपके सब्सक्राइबर देख के ही वो बंदा आपकी वीडियो को कट करके भाग जाएगा। ये होता है सब्सक्राइबर हाइड करने का सबसे बड़ा फायदा। तो ये अभी आपने नुकसान देखा, अब आपको फायदा बताता हूँ, इसी में फायदा छुपा हुआ है। अब कोई भी बंदा आपके चैनल पे आएगा, देखिए आपके चैनल के सब्सक्राइबर हाइड हो जाते हैं, लेकिन आपको एक और बात बता दूं, आपके चैनल के जो ऑल अबाउट चैनल के व्यूज है वो हाइड नहीं होते। अब उसकी व्यूअर की इच्छा है कि आपके सब्सक्राइबर से आपको वो जज नहीं कर सकता, लेकिन आपके व्यूज से भी आपको जज कर सकता है। इसलिए थोड़े बहुत चैनल पे थोड़ा वो रखो कंसिस्टेंसी, जिससे कि आपके चैनल और जल्दी ग्रो हो सके। तो चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने सब्सक्राइबर हाइड करने कैसे हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे स्क्रीन दिख रही होगी, आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर को ओपन करते आपको लिखना है youtube.com। जैसी वेबसाइट पे पहुंचते हो आप, आपके सामने ऑप्शन आते हैं इतने सारे, आपको 3 डॉट्स पर टैप करके डेस्कटॉप साइट को सबसे पहले इनेबल कर लेना है। जैसे ही आप इस साइट को इनेबल करते हो, आपका पूरा कंप्यूटर का इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको ऊपर से थोड़ा जूम करना है इसको, एंड वहां पे आपको अपने ही चैनल का लोगो दिख जाएगा। अपने चैनल के लोगो पे टैप करने के बाद आपको आ जाना है यूट्यूब स्टूडियो बीटा पे, जो बीटा नहीं अब प्रॉपर यूट्यूब स्टूडियो हो चुका है। अब जैसे ही आप अपने YouTube स्टूडियो पे आते हो, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये चैनल मेरा नया दूसरा चैनल है, इसको भी जाके सब्सक्राइब कर लेना। आप सबसे पहले नीचे सेटिंग के ऑप्शन पे आओ, प्रमोशन बाद में करेंगे, उस पे जाके आपको अपने चैनल पे जाना है, एंड उसके बाद आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना है। एंड इस पे जाते ही आपको थोड़ा नीचे नीचे देखोगे, आपको थोड़ा ऊपर करोगे, तो आपको एक ऑप्शन होगा डिसेबल मिला होगा, लेकिन आपको इसे इनेबल से ही डिसेबल करना है। इसका मतलब है कि देखो, अब मैं इसको साइड करता हूँ, इसको करके आपको सेव कर देना है। अगर ये ऑप्शन आपको इनेबल मिलता है तो आपके सब्सक्राइबर काउंट जो है वो सारे पब्लिकली देख सकते हैं, यानी पब्लिक आपके सब्सक्राइबर देख सकते हैं, इसलिए आपको इसे हमेशा डिसेबल ही रखना है जब आप अपने सब्सक्राइबर को हाइड करना चाहते हो। तो देखो, आपने इतना समझ लिया कि आपने अपने सब्सक्राइबर हाइड कर लिए। लेकिन अब अगर आपने कोई ऐसी वीडियो बनाई जो ट्रेंडिंग में जाने के वो हो, आपको मैं आगे आने वाले टाइम पे ये बताऊंगा कि
जीरो सब्सक्राइबर चैनल वाले की वीडियो भी ट्रेंडिंग में पहुंच सकती है। कैसे? वीडियो के नीचे कमेंट करो, आपको जल्दी से जल्दी वीडियो चाहिए तो अभी कमेंट करो वीडियो के जाके, मैं आपके लिए बहुत जल्द वीडियो ले आऊंगा कि आप अपने चैनल की वीडियो को ट्रेंडिंग में कैसे भेज सकते हो। आज तक आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में नहीं आई होगी, लेकिन अब आ सकती है मेरे एक दो एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक वाली वीडियो में। देखो टाइम कितना हो रहा है, देख लिया। चलो मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक वाली वीडियो में। उससे पहले आप ये दो वीडियो देख सकते हो आपकी इच्छा के अनुसार, और ये वाली वीडियो है मेरे थर्ड चैनल की, वो देख सकते हो। एंड ऊपर मेरा सेकंड चैनल है, उसके भी जहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, कॉमेडी का चैनल है, जरूर जाना। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। मैं आपसे मिलता हूँ अपने अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक वाली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।